कर लीजिए, कर लीजिए, यहाँ से लीजिए आप सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ज्यादा इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, है ना? ऑप्शंस तो नहीं है, दो कैमरे हो तब तो बात भी है, एक कैमरा है तो फिर जाना ही है। कल तो सब कर लेते इसमें, या तो फिर डोंगल वोंगल कुछ होना चाहिए वो सेटअप डिफरेंट बनता है लाइव वाले के लिए, फिर डॉली सिस्टम है कुछ चेयर अवेलेबल सिस्टम बनता है। 91 शांति स्वरूप बटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट में आए आप सभी आठ प्रयोगशालाओं के खिलाड़ियों का हम तहे दिल से इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। कुछ ही पलों में उद्घाटन सत्र में हम फ्लैग होस्टिंग का यानी मार्च पास का भी एक इवेंट होगा, उसके लिए जो सिक्वेंस हो गया कृपया इसके ऊपर आप ध्यान दे दीजिए। इसी प्रकार आपने हमारे पंकज शुक्ला जी तथा संजय सिंह जी आपको मार्गदर्शन करेंगे, इसी क्रम से आप अपने फ्लैग बेरर के पीछे पीछे आकर इस प्रांगण में आएंगे। पहली टीम रहेगी नीस्ट, दूसरी टीम रहेगी CLRI, तीसरी टीम रहेगी NGRI तथा चौथी CDRI, पांचवी IHBT, छठी CCMB, सातवीं सिकरी तथा आठवीं टीम रहेगी IIIM। मैं फिर से ये सीक्वेंस आपको बताने जा रहा हूँ, इसी क्रम से आप सभी खिलाड़ी इस मार्च पास में अपना सहयोग देंगे। पहली टीम रहेगी नीस्ट, दूसरी टीम रहेगी CLRI, तीसरी NGRI, चौथी CBRI, पांचवी IHBT, छठी CCMB तथा सिकरी और आठवीं रहेंगी IIIM। पुनः आपसे गुजारिश है कि नीस्ट जोहरट के टीम मैनेजर तथा CLRI के टीम मैनेजर और सिकरी के टीम मैनेजर जल्द से जल्द स्टेज पर संपर्क करें। नेक्स्ट CLRI तथा सिकरी, डॉक्टर निर्जा तिवारी जी, डॉक्टर निर्जा तिवारी जी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। पुनश्चा आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत करते हुए आप सभी खिलाड़ियों को हम गुजारिश करते हैं कि पंकज शुक्ला जी जो पावर स्टेशन के यहाँ पर जा रहे हैं, कृपया आप इनके पीछे पीछे जाकर कुछ ही पलों में जो हमारा मार्च पास होगा इसमें आप सभी लोग शिरकत करेंगे। आप सभी से विनती है जल्द से जल्द आप मार्च पास के लिए कूच करें। थैंक यू। बस ये रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तीन इधर से आएंगे, चेंज हुआ है, ठीक है, इस जगह से आएंगे और वही रास्ते आ गए इधर, ये अभी इस के साथ आ रहे हैं, बीच में से नीचे बनते कर रहा हूं, कोई बात नहीं, इधर से हम लोग अनाउंस करेंगे। फिलहाल तो टीम की तरफ पॉइंटिंग, वो टीम मेंबर ना हमको इस पर दीजिए तो हम अपने ही जा रहे हैं, किस पे चल रहा है, कर रहे हो, कर रहे हो, दिख रहा है ना, किस पे दिख रहा है, उससे थोड़ा सा कटता है, थोड़ा सा कटता है, हल्का कटेगा आपका, आ जाएगा ठीक है। CCMB के साथ
अरे ये कर देंगे हम कल देंगे ना अपने हिसाब से देंगे। हमारा लैपटॉप कौन सा कमीशन कराओगे? नहीं नहीं आप उनसे बात ऑफ कर दिया तुमने क्या? ऑफ नीस्ट और सिकरी के टीम मैनेजर प्लीज स्टेज के पास आ जाए। सुस्वागतम पुनः इस 91 शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट के लिए आए आप सभी खिलाड़ियों का हम सहर्ष दिल से इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी तथा जो उप समितियाँ हैं उसके कन्वीनर आपसे गुजारिश है कि जो हमारी कंट्रोल रूम है इस कंट्रोल रूम में जाकर आप आई कार्ड कलेक्ट करें और आपके जो सभी मेंबर्स हैं उनको देने का कष्ट करें। पुनः जो सभी कमेटी के हमारे कन्वीनर है आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द कंट्रोल रूम में जाकर जो आई कार्ड है वो कलेक्ट करें और आपके जो सभी मेंबर्स हैं उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करें। धन्यवाद। हो रही है क्या? कुछ आवाज कम है ना? वही होती है क्या? हमारी जीवन से हो रही है।
करेंगे, इसके बाद आप आ जाए। बताते हैं उनको तो ड्रोन मंगवा दें, जाने की जरूरत ही नहीं। अरे क्या इतने में बोला वो तो गिम्बल से आपका बिल्कुल हिलेगा नहीं, तो गिम्बल मंगवा नहीं लेता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है ना, गिम्बल ये प्लेट टूट दिए थे, यही संजय के यहाँ पड़ा था, किसी को मांगे दिया पहली बार फोटो क्या खींचते हैं, अच्छा उन्हीं के यहाँ पड़ा था, एक भागवत चल रहा था तो ले गए, तो ये प्लेट तो तुरवा दो, यहीं तो लेट हो गया तो फिर जुगाड़ से हम बनाए हैं कर दिया होगा किसी चीज़ में हल्का सा, तो मान लो किसी का पैर पर पड़ने से भी मतलब हिले नहीं, हाँ जो आपकी गोल गोल बनी होती है ना किसी में फंसा देते हैं आप पानी ब्रजेश जो है मैंने 15-17 को है, ब्रजेश हमारे पास फोन नहीं किए थे, विजय किए थे, पेन करोगे क्या हम नहीं करोगे, तो हमने कहा तो हमने कहा देखिए मैं करूँगा मगर मेरी दो शर्त है, इन पहली कौन, हमने कहा मैं 2-4 कर रही हूँ, इन दूसरी शर्त कौन, हमने कहा किधर काम खत्म होगा पेमेंट हम पूछे। आपके लाइन पे ये इतना क्यों डिफरेंस आ रहा है, मतलब जैसे आपने कहाँ लगा रखा है, देखो उसमें नीचे नहीं दिख रहे हैं, कौन सा आप चला रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं सर, वहाँ का स्क्रीन देखो तो कोई अंतर नहीं है सर, स्क्रीन देखो कोई अंतर होगा सर, होगा
और किसी ने कुछ नहीं, किसी से ऐसा है पैसा तैयार है। मेरा चला गया स्कूल नहीं, अभी द्वारा कनेक्ट किया है, कहाँ चला गया? कहने लगे कि ठीक है बताएंगे, हमने कहा ठीक है। हाँ, हमको भी यही कहा था कि हम बताएंगे। हमने कहा मेरे शर्त और है, अगर हमको तुरंत पैसा नहीं मिला तो हम काम तुरंत डिलीट कर देंगे। कर रही का कई जन पैसा लीजिए हमारे लिए, आपके कई जन क्यों मारते हैं लोग? देखिए मेरा भी ज़्यादा काम नहीं किया, आप एक देखो एक दिन में, लेकिन भैया मैं पैसे किसी के नहीं मांगती, ठीक है? नहीं, बात तो नहीं, गरीब आदमी हूँ। 15,000 रुपये पड़ा था, पापा हमारे ख़त्म हो गए तो उनके पास पहुँचे 2,000 रुपये। उन्होंने अपनी गाड़ी बदल ली, गाड़ी बदल दी। फोटो मैंने देखा था। तो हमने कहा ये पहले बताओ गाड़ी बदलने के लिए इनके पास पैसा है और लड़कों को पैसे देने के लिए? इनके दुकान पर 3 लड़के काम करते, 70,000-80,000 रुपये बकाया पड़ा। हमने कहा तुम भैया सबको करो, हम नहीं 50,000 बनता है। हाँ तो ये लोग 1,500 रुपये लेते हैं। 1,500-1,600 लेते हैं। हमने कहा भैया हमारे पास दोज़ ऑफ यू आर हु आर स्टैंडिंग में काइंडली ऑक्यूपाई द सीट्स प्लीज। ढाई पाँच को तो चल ही रहा है, यही कहा कि मैंने ढाई पाँच रुपये तो मैं दे देती हूँ सबको, जिससे जो भी आता है सबको मैं देती हूँ। मैंने कहा आप, मैंने कहा मुझे देर भी कर रहे थे, अरे गलत नहीं है होता है। तुम ऐसा करो इनके अगल बगल तुम दुकानें खोलो, खोलो दुकान तुम डाल सपोर्ट पूरा। भैया 7 फीटा पर जितनी सारी दुकान, 6 दुकान तो इससे क्या है? ये नहीं करने देते बाकी लड़के हमारे पास बहुत। ये बताओ मैं स्टूडियो वहाँ ले लूँ? वो ऑडियो सिटी, ओरो सिटी, ओरो सिटी। ये कहाँ पर? ओरो सिटी रास्ता नहीं जाता, हॉस्पिटल देखा
अंदर की निकल गया, बाहर की 12,000 की, अंदर की 6,000 की, पता देख लो। मैं सोच रही हूँ ना कि अंदर की दुकान लेके भी ऐसा थोड़ी ना कि जो 12,000 में ज़्यादा हो जाते हैं, 12 का मतलब है आप दो बिजली का लगाएंगे तो मैं 14, और फिर आप कुछ बोतल की लगाएंगे भी आपको 15-16,000 तक मान के चलेंगे चलेगा, है ना। स्टार्टिंग ये मान चलो 5-6 महीने के ऐसे किराया निकालना है तो इतना किराया से हम मिल जाएगी क्यों, हम ये सोच रहे हैं कि हम वो कर दें सूर्य भी, हम सूर्य खरीद लेंगे, हम कभी ये भी करना है ट्रेन। हाँ ट्रेन को मैंने ये देखा कि मैं जिसकी नीच उसके पास गई तब भी, और मैंने उसके अंदर दोनों के यहाँ देखा कि दोनों के मतलब लोग लगे रहते हैं भैया कि भैया ये बनवा दो, भैया ये बनवा दो, ये बनवा दो, तो मुझे लगता है भैया सोचने की किराया तो उसमें आ ही जाएगा। देखो हम ये नहीं कह रहे कि सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, किराया आ जाए तो अच्छा आवाज जाइए। सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें जिससे कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। क्षितिज प्रांगण में उपस्थित
आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री रविकांत शुक्ला, हमारे आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी, सभी गणमान्य जनों और मित्रगणों को मेरा नीरजा तिवारी का सादर अभिनंदन। स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करूं कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है आप सभी का इस मधुर बेला में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम 51वें शांति स्वरूप भटनागर स्मारक टूर्नामेंट की चौथी क्षेत्रीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। विभिन्न CSIR इंस्टीट्यूट से आई हुई टीमें कृपया एकत्रित हो जाएं। SSDMT टूर्नामेंट का आयोजन CSIR के संस्थापक तथा प्रथम महानिदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की पुण्य स्मृति में किया जाता है। यह आयोजन CSIR स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा विभिन्न CSIR संस्थानों में परस्पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नहीं, वो हम कवर कर लेंगे। हम आमंत्रित करते हैं आज के विशिष्ट अतिथि, हमारे आदरणीय निदेशक महोदय, हमारे CSIR के प्रशासनिक अधिकारी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिल मौर्य को कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। कार्यक्रम की सफलता की कामना के साथ हम आग्रह करते हैं आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय निदेशक महोदय, प्रशासनिक अधिकारी श्री नरेश कुमार जी, कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर अनिल मौर्य, कृपया आगे आकर दीप प्रज्वलित करें।
हम माननीय मुख्य अतिथि श्री रविकांत शुक्ला, आदरणीय निदेशक महोदय, प्रशासनिक अधिकारी श्री नरेश कुमार और कार्यक्रम सचिव डॉक्टर अनिल मौर्य से अनुरोध करते हैं कि वह स्मरणीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। सभी गणमान्य जनों से निवेदन है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय निदेशक महोदय से निवेदन है कि वह पुष्प गुच्छ देकर आज के विशिष्ट अतिथि श्री रविकांत शुक्ला जी का स्वागत करें। संजय, फोटो ले लो। कार्यक्रम की अगली कड़ी SSDMT प्रतिभागी टीमों का मार्च पास्ट है। हम आमंत्रित करते हैं श्री ऋषिकेश भीसे और श्री संजय काले को, कृपया मंच पर आएं और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। माननीय मुख्य अतिथि और आदरणीय निदेशक महोदय से निवेदन है कि वह मैदान पर स्थित मंच की ओर प्रस्थान करें। माननीय विशिष्ट अतिथि और आदरणीय निदेशक महोदय से निवेदन है कि वह मैदान पर स्थित मंच की ओर प्रस्थान करें। थैंक यू सो मच नीरजा। मे आई रिक्वेस्ट अवर गेस्ट्स ऑन डायस टू टेक देयर काइंड सीट्स। CSIR CMAP वेलकम्स ऑल 176 पार्टिसिपेंट्स। Of them, 122 for cricket and 64 for volleyball from 8 different CSIR laboratories on 4th zonal outdoor meet on 51st Shanti Swarup Bhatnagar Memorial Tournament at CSIR CMAP. CMAP के इस सदाबहार और प्रकृति से सुंदर और रंगों से रंगी इस प्रांगण में हम आप सभी प्रतिभागियों का और हमारे सभी खिलाड़ियों का, कर्मचारीगणों का और वैज्ञानिकों का यहाँ पर सहर्ष स्वागत करते हैं और मार्च पास के लिए अब सभी 8 टीमें हाथ में ध्वज लेके आगे बढ़ते हुए पहली टीम यहाँ पर निष्ठ जोहरा। प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज for NIST Jorhat, our sister laboratory, Northeast Institute of Science and Technology Jorhat. They are coming from all the way of Northeast to participate in Lucknow 51st SSBMT team. This team is comprising the child who is bearing the name is Miss Arohi. Flag bearer is Mr. Himanshu Kaushik Bara. The team manager of Jorhat team is Mr. Rajiv Deka. Captain of cricket team is Pankeshwar Das. Captain of volleyball team is Himanshu Kaushik Bara. We welcome team Jorhat. तालियां रुकनी नहीं चाहिए हमारे अतिथियों के सम्मान में। युवा शक्ति है, साहस है, समृद्धि है। युवा शक्ति है, साहस है, समृद्धि है। युवा प्रेरणा है, विचार है और लक्ष्य सिद्धि है। विराट धोनी नीरज मीरा, विराट धोनी नीरज मीरा जैसे युवा है जहां उस देश की पूरे विश्व में प्रसिद्धि है। जोरदार तालियों से इन सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करिए। सेकेंड टीम विच इज कमिंग नाउ बिफोर यू इज
डीन CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। तालियों से स्वागत करें कृपया टीम का। बालक हैं इसमें अनंत, फ्लैग बेयरर हैं श्री दिनेश कुमार, टीम के मैनेजर हैं श्री KC वेलप्पन, क्रिकेट टीम के कप्तान भी श्री KC वेलप्पन और वॉलीबॉल टीम के कप्तान श्री जगन। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू टीम CLRI चेन्नई। बड़ा ही विहंगम दृश्य हो रहा है इस समय हमारे संस्थान के इस प्रांगण में और हम सभी साक्षी हैं इस दृश्य के लिए। सभी अतिथि टीमों का हृदय से स्वागत है। अब तीसरी टीम जो हमारे सामने आ रही है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI हैदराबाद। कृपया तालियों से स्वागत किया जाए टीम का। टीम मैनेजर इज मिस्टर सतीश, द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम इज मिस्टर लोहित कुमार एंड द कैप्टन ऑफ दिस टीम वॉलीबॉल इज मिस्टर सुरेश, द चाइल्ड केयरिंग द प्ले कार्ड इज मिस भाव्या एंड द फेयर फ्लैग बेयरर इज मिस्टर लक्ष्मी नारायणा। वी हार्टली वेलकम टीम NGRI हैदराबाद। Please give a huge round of applause to all the participating teams. The fourth team approaching to us is team Central Building Research Institute CBRI रुड़की। ये देवभूमि से आए हैं हमारे पास मिलने के लिए। कृपया टीम का स्वागत किया जाए। इस टीम के मैनेजर श्री श्रीनिवास राव हैं, क्रिकेट टीम के कप्तान विनीत कुमार जी हैं, वॉलीबॉल टीम के कप्तान मेहर सिंह जी हैं। बच्चा जो इनका प्ले कार्ड लेके चल रहे हैं मास्टर सिद्धार्थ और ध्वजवाहक फ्लैग बेयरर हैं श्री अजय द्विवेदी जी। पांचवी टीम अब आपके सामने आ रही है। ये टीम पालमपुर हिमाचल प्रदेश से है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी IHBT पालमपुर। इस टीम का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टीम मैनेजर डॉक्टर आशीष वारघट हैं, क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो भी श्री विक्रम पटियाल जी हैं, वॉलीबॉल टीम के कप्तान दीदार सिंह जी हैं। जो बच्चा इनके प्ले कार्ड को लेकर चल रहा है वो कुमारी ईशानवी हैं और फ्लैग बेयरर इनके डॉक्टर विवेक डोगरा हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां खूब बजाएं और सबका हौसला अफजाई करें। अगली टीम यहां पर इस प्रांगण में ध्वज को लेते हुए आगे बढ़ती हुई हमारी CCMB की, इसके फ्लैग बेयरर है मिस्टर विनय तथा इसके टीम मैनेजर इदरीस जी और वॉलीबॉल का नेतृत्व करेंगे भारती जी और क्रिकेट के लिए श्याम जी। अपने सभी 22 प्लेयरों को लेके आदरणीय अतिथि महोदय तथा हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आदरणीय निदेशक महोदय का यहाँ पर वंदना करते हुए, उनको उस वंदना का स्वीकार करते हुए ये सभी इस मार्च पास्ट में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई बढ़ाइए। CSR के युवाओं का कमाल है, CSR के युवाओं का कमाल है कहीं क्रिकेट तो कहीं वॉलीबॉल का मैदान है। जिस देश के युवा तंदुरुस्त है असल में वही देश नौजवान है। जी हाँ, ये नौजवान की टीम है। 176 खिलाड़ी CSR के 8 लैबों से यहाँ पर आ रहे हैं। अगली टीम यहाँ पर IIMP कुछ टीम हमारी सिकरी तथा IIIM अभी भी सिकरी जिसका नेतृत्व प्रवीण जी कर रहे हैं और कुछ दल अभी पीछे अभी भी ट्रैवलिंग में है, लेकिन उनका भी हम सहर्ष स्वागत करेंगे और आगे के लिए
हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। मार्च पास के इस आखिरी में यही कहूंगा कि यह प्रतियोगिता आपके जीवन में प्रेरणादायक रहे। आयोजन समिति की ओर से हम आशा करते हैं कि आप विभिन्न आर्ट प्रयोगशालाओं से आए सभी खिलाड़ी टीम भावना और सहयोग का दर्शन देंगे और सभी खिलाड़ी अनुशासन और आपसी भाईचारा तथा सामंजस्य का परिचय देंगे। सभी खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं। संजय जी प्लीज। टुडे वन कैन सी अ मिनी इंडिया ऑन CSIR CMAP ग्राउंड्स। फ्रॉम नॉर्थ टू टीम्स हैव कम फ्रॉम द लैब्स ऑफ ब्यूटिफुल हिमालयस दैट इज CSIR IHBT पालमपुर एंड IIIM जम्मू। Similarly, CSIR CECRI, Karaikudi and CSIR CLRI Chennai, they have arrived from deep south. CSIR NEAST, Jorhat from the land of seven sisters. Wonderful India. CSIR CCMB and CSIR NGRI, they are from the land of famous Golconda Fort and Charminar, that is Hyderabad. Finally, CSIR CBRI Roorkee has arrived from the very pious Devbhumi, Uttarakhand. We welcome you all and all the best to all the participants. Thank you. Now, moving ahead with our program, I would now request the organizing secretary, Dr. Anil Kumar Maurya, to give his welcome address. इक्यानवे शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल फोर्थ आउटडोर जोनल टूर्नामेंट में आज के हमारे मुख्य अतिथि इंडियन क्रिकेटर अंडर 19 के कप्तान रह चुके रविकांत शुक्ला जी, संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी सर, संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी श्री नरेश कुमार सर, साथ ही हमारे CMAP संस्थान में हमारे जो लखनऊ में बेस्ड प्रयोगशालाएं हैं CDRI NBRI IITR वहां से आए हुए जो हमारे अतिथिगण हैं उनका, साथ में जो ये रंग बिरंगी टीमें यहां पे दिखाई दे रही हैं उनका, और हमारे जितने भी CMAP संस्थान के यहां पे उपस्थित सभी सम्मानित गण हैं, छात्रगण हैं, शोधार्थी, जो बैंड हमारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड बैंड है उनका, साथ में सभी कमेटियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। CMAP एक हरा भरा प्रांगण आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और यादगार पल देकर जाएगा, ऐसी हम सोच रखते हैं और ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। I would now request the chairman, organizing committee, and our director, Dr. Prabodh Kumar Trivedi, to address the enthusiastic crowd and boost the morale of our teams with his encouraging words. So please. Thank you, Dr. Akansha. आज मैं अपना जो ये शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट है इसमें मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ये फोर्थ जोनल यहाँ पे हो रहा है जिसमें क्रिकेट एंड वॉलीबॉल की जो टीम्स हैं वो 8 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आई हुई हैं। एक टीम अभी नहीं आ पाई है, वो अभी आ रही होगी। ये ज़्यादातर तो हम लोग लैब में रिसर्च करते रहते हैं, जितने लोग भी यहाँ हैं चाहे अपने डिफरेंट टीम से हो या CMAP के यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लैब में काम करते रहते हैं या ऑफिस में काम करते रहते हैं। लेकिन CSIR की जो एक ये एक्टिविटी है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक तो हम लोगों को एक हेल्दी कंपटीशन स्पोर्ट्समैनशिप और किस तरीके से साथ में मिलके काम करना है वो सिखाता है। साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि जब ये एक्टिविटी होती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हम लोग एक दूसरे से
साइंस में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको भूल के एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। और अच्छा ये लगता है कि एक साथ जो इंडिया के डिफरेंट जोन्स हैं उनकी टीम्स एक साथ आती है, हम लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, और इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। शायद अगर कॉन्फ्रेंस होती तो शायद इतने लोग साथ में नहीं आते डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, लेकिन आज जो ये शांत स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट है यहाँ पे आए हुए हैं, और जिस तरीके से अलग अलग जोन्स में हो रहा है, अभी सीमैप की टीम जाएगी जो कि नीस जोरहाट में जाने वाली है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक एक्सचेंज ऑफ जो एक मैन पावर है यहाँ पे, वो दूसरे जगह पे जाके जो देखते हैं वहाँ की का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, वहाँ पे कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इसमें सीखने को मिलती हैं। आप लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ शायद आप लोगों को पता होगा, जाना जाता है अतिथियों का किस तरीके से स्वागत किया जाता है, और यहाँ का जो खाने की चीज़ें हैं वो कितनी मशहूर हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये पूरे जो टूर्नामेंट है 30 नवंबर से, आज 29 से स्टार्ट है, 2 दिसंबर तक जो है, और कुछ लोग शायद उसके बाद भी हो सकता रुके, तो यहाँ की हर चीज़ लखनऊ की आप जो है आपको अच्छी लगेगी। और लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो आप यहाँ हैं, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए, और अच्छी तरीके से एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह से आप यहाँ पे खेलिए। हार जीत लगी रहती है, जीतना CSIR को है। तो जो हमारा यहाँ की टीम ने, जो सीमैप की टीम ने एक लाइन बनाई है, खेलेंगे हम जीतेगा CSIR, तो हम सब मिलके खेलेंगे और CSIR की जीत होगी, ये हम लोगों को मान के चलिए। मैं आज यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा हमारे रविकांत शुक्ला जी का, जिनके बारे में काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनके बारे में। वो जब शायद 12 इयर्स के थे तब वो हॉस्टल में चले गए थे क्रिकेट को सीखने और खेलने के लिए। अंडर 14 एंड अंडर 16 में आपने यूपी को में कैप्टन रहे, और उसके बाद अंडर 19 में जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और अंडर 19 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अपनी टीम जो इंडिया की थी वो रनर अप रही थी, उसके कैप्टन जो है रविकांत जी थे। तो अभी भी रविकांत जी पूरी तरीके से क्रिकेट में एक्टिव हैं, अभी इंडियन ऑयल की तरफ से खेलते हैं, और मुझे आशा नहीं थी कि वो मिल पाएंगे और यहाँ पे आ पाएंगे, लेकिन शायद किन्हीं कारणों उनका एक मैच शिफ्ट हुआ और उसके कारण से वो यहाँ पे टाइम दे पाए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और यहाँ पे आए। तो 2006 में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी भी वो काफ़ी पूरी तरीके से इसमें क्रिकेट में लगे हुए हैं, और यूपी में जो कि खेल के मामले में ये समझा जाता है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और लोग खेल के मामले में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी हमारा उनसे काफ़ी डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि वो एक एकेडमी चला रहे हैं, क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं, जिसमें करीब 100 बच्चे इस समय यूपी के क्रिकेट सीखने के लिए आते हैं और जिसकी वो मेंटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी का यहाँ पे होना आज के दिन जब इनॉग्रल फंक्शन है तो हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने टाइम दिया और वहाँ पे आए, जहाँ पे मैं श्रीकांत जी का एक करियर देख रहा था T20 में, अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 100 से ऊपर है, 107 है, और जो कि अभी तक का ये है, तो सोच सकते हैं कि जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज ए कैप्टन T20 में, जो पाकिस्तान के साथ 2006 में जो फाइनल मैच हुआ था, तो सोच सकते हैं कि किस पिच पे वो मैच हुआ होगा और कितना एक दूसरे के साथ में ये रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ मैच है, फाइनल मैच खेला जा रहा है,
वो रविकांत जी ने उसकी कैप्टेंसी की थी और तो स्वागत योग्य हैं, यहाँ पे वो आए, उन्होंने टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात है आप सब लोग जो हर स्टेट से जो आए हुए हैं, एट टीम्स जो आई हुई हैं, मैं ये चाहूँगा कि जितने दिन भी वो यहाँ पे रुकें खुश रहें, किसी भी चीज़ की कमी उनको नहीं होनी चाहिए। सीमा पूरी अपनी कोशिश करेगा कि आप लोगों का पूरी तरीके से ध्यान रखें, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे स्टाफ क्लब के लोग हैं, अनिल मौर्य हैं, डॉक्टर अनिर्बन आज नहीं है, वो नीज जोराट में गए किसी मीटिंग के लिए, लेकिन कल परसों में आ जाएंगे। और सीमैप की जितनी भी टीम है, न केवल स्टाफ क्लब की, जितने भी साइंटिफिक स्टाफ या टेक्निकल स्टाफ है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका स्टे यहाँ पर और जो खेलने के लिए आए हैं वो बहुत ही स्मूथ रहे और आप यहाँ की हर चीज़ को एंजॉय करें। धन्यवाद। Thank you, sir, for your motivational words. We all are looking forward to an enthralling line of matches in coming few days. Moving ahead, I would now request Dr. Sumit Bagh, Principal Scientist CSIR NBRI and an advisor of the organizing committee, to kindly brief the audience. Sir, please. Good afternoon to all dignitaries sitting in the dais and all the players coming from different parts from India and my colleagues in CIMAP as well as CDRI IITR. I like to welcome all the participants and play cricket, volleyball with your hearts, and it will be a competitive, obviously it is always competitive, and after that, after 3 days we'll be getting a winner from CSIR only, and those who are qualified for the finals, it is my I welcome them also. It is as well as the loser who will be not going to the finals, they also heartily welcome and participate in a true spirit in the sports, and we all are here to support you, and if anything require, I mean any discomfort you feel, you contact us as a committee members. All the members are there, and I hope you enjoy the staying in Lucknow, and all the best. Thank you. Thank you, sir. We also have Dr. Arnav Das Gupta from CSIR CDRI. I would request him to kindly address the audience about the fourth zonal outdoor. So please. Good afternoon, everybody. So respected dignitaries and my friends, I'm not going to take much time. Just two things I want to share with you. First, I would like to thank CSIR Sports Promotion Board to organize this event, because this event actually in line with our director, actually it gives us to fulfill our passion, means childhood passion. Whatever we do in our professional life, means research, administration, store and purchase and everything, this 2 days or 3 days is actually very close to my heart, at least, and I enjoy every bit of this time. The other thing I would share is this tournament brings us or take us to our hostel days, where we share our rooms, we share everything from toothpaste to slippers to everything. I would not say whatever we can share, we share everything, and this or event actually makes various memories, and as director said, aap log Lucknow mein hai, muskuraiye and makes memories. Thank you.
Thank you, sir. Today I have the honor and privilege of introducing you all with the chief guest of today's program, Mr. Ravikant Shukla, who graciously accepted our invitation and is here to celebrate SSBMT with all of us. Our chief guest doesn't require any formal introduction, as you all have already heard about his deeds, endeavors, and endless contributions towards sports. He is indeed a role model for the youth of the nation, who was born and brought up in Uttar Pradesh itself. He made his first class debut at the age of 18 for Uttar Pradesh and is left hand middle order batsman with a strike rate of 107.45. Mr. Ravikant has led India to the final of Under 19 World Cup in Sri Lanka in the year 2006. He has also played for the eminent teams such as Goa, Punjab Kings and Manipal Tigers. I hope by now you all must be truly spellbound by his achievements and contributions to the field of sports. So without much delay, I would now like to request our chief guest, Mr. Ravikant, to address the audience who is eagerly waiting to listen to him. Sir, please. Namaskar, good evening, everyone. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनिल कुमार मौर्या जी का, सी मैप का, और हमारे डायरेक्टर सर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया मान सम्मान के साथ इस 91 शांति स्वरूप भटनागर स्मृति टूर्नामेंट की ओपनिंग में। और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर, और जो माहौल यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, मुझे मालूम है ये आसान काम नहीं है। महीनों की मेहनत लगी होगी इसमें और बहुत सारा हार्डवर्क है। तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टूर्नामेंट एक अच्छे पेस पे जाए और डिसिप्लिन वे में इसका समापन हो, और बेहतर जो भी खिलाड़ी हैं आए हुए हैं बेहतर क्रिकेट खेलें और अच्छे एटीट्यूड के साथ खेलें। और मैं देख रहा हूँ कि हर एज ग्रुप के यहाँ पे टीम में मेंबर हैं। तो जो मैंने जो जीवन में सीखा है एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, कि आपकी उम्र कितनी भी हो जाए लेकिन जो खेल होता है वो एक 7 साल के बच्चे में भी वही जोश होता है और एक 60 साल के बूढ़े में भी खेल के लिए वही जोश होता है तो वो मैं साफ देख सकता हूँ आप लोगों में। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलें और इन्जॉय करें। आप बेसिकली आप डॉक्टर्स हैं, आपने बड़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन खेल एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप खेलते भी हैं, कम्पीट भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि खेलें और इन्जॉय करें। हार जीत हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रोसेस जिसका अच्छा होगा वो जीतेगा, तो उस पर ध्यान दें। बाकी कुछ एक स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। ग्रोइंग एज में हमारे गुरु जी होते थे, तो एक बार ऐसे डिस्कशन होने लगा तो बोले अच्छा एक खिलाड़ी में क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, या एक सक्सेसफुल पर्सन में क्या ऐसी 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जो उसको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग बोले सर लंबा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने एक लेसन हमें सिखाया था कि 3 D's जिस खिलाड़ी के अंदर होते हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, ये 3 D's लेकर जो खिलाड़ी जीवन भर चलेगा वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में, कोई भी खिलाड़ी हो या किसी भी फील्ड में, वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। एटीट्यूड जो होता है 7 साल के बच्चे में क्रिकेट को लेके जो एटीट्यूड है, अगर वही एटीट्यूड 60 साल के एक बुज़ुर्ग में भी वही एटीट्यूड होगा तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी फील्ड में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ में एटीट्यूड कभी 2 नहीं होते, एटीट्यूड हमेशा 1 होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आगे बढ़ना है और कोशिश करना है कि जीवन में अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को आप लोग हासिल करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर ने कहा है कि कुछ स्टोरी मैं शेयर करूं वर्ल्ड कप की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड कप में, तो चेन्नई में हमारा कैंप लगा, हमें श्रीलंका जाना था खेलने के लिए, और 15 दिन पहले मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया कैंप में। और डॉक्टरों ने बोला कि अब ये मतलब इसको आपको हटाना पड़ेगा कैप्टन, ये तो फिट ही नहीं है, खेल नहीं पाएगा। मैंने 8-8, 9-9 घंटे रात में बर्फ से सिकाई करके अपना एंकल सही किया,
और 15 दिन के अंदर मैं अपने आप को इस लायक बना सका कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकूं। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं क्रिकेट में मेरे साथ जुड़ी हुई। अभी जो आप रिसेंटली रोहित शर्मा को देख रहे हैं टीवी में, रविंद्र जडेजा को देख रहे हैं, पीयूष चावला को देख रहे हैं, इन सारे लोगों के साथ कैप्टेंसी का ऑनर मुझे दिया गया इंडियन टीम का, और मैंने इन लोगों को कैप्टन किया और सारों ने बड़ी मेहनत करी वर्ल्ड कप पे। अनफॉर्चुनेट फाइनल हम हार गए पाकिस्तान से, बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ था और वो एक ऐसी हवा सी आई जो हमें बिखेर के चली गई, क्योंकि हम लोग पूरे वर्ल्ड कप में और उसके कुछ पहले कुछ टूर्स में अनबीटन थे, कोई भी मैच हारे ही नहीं थे, लेकिन सिर्फ वो एक वर्ल्ड कप का फाइनल कुछ गलतियों की वजह से हम हार गए। तो सारों ने बहुत बढ़िया, सारे लड़कों ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत उसकी तैयारी करी थी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं है। अगर आप प्रोसेस अच्छा रखते हैं, अगर आप डेली टू डेली जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपकी बेहतर होती है तो रिज़ल्ट उसको फॉलो करता है। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी यहाँ खेलें इन अ प्रॉपर वे, इन अ डिसिप्लिन वे, और ढेर सारा इन्जॉय करें। और लखनऊ की बिरयानी बहुत फेमस है तो बिरयानी खा कर जाएँ, और भी बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं तो जो बिरयानी के शौकीन है खाना पीना खा के और मुस्कुरा कर जाएँ लखनऊ से। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your thoughts with all of us and gracing this occasion. Next in the pipeline is the release of 51st Shanti Swarup Bhatnagar Memorial Tournament souvenir. I would request the Publication Committee Chairman, Dr. N.P. Yadav, convener Dr. Pradeep Mukhopadhyay and his team to please join us on the stage for getting it released. Thank you all of you. We'll now be having the oath taking ceremony. I would humbly request our chief guest for reading out the oath, please. हम 91 शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट 2022 चौथे जोनल आउटडोर के प्रतिभागी निष्ठापूर्वक वचन देते हैं कि हम अपने संगठन के सम्मान, खेलों के उत्कर्ष और सच्ची खेल भावना हेतु अपने व्यवहार और उसके परिणामों के प्रति जवाबदेही को स्वीकार करते हुए तथा उन नियमों का सम्मान करते हुए जो इन्हें नियंत्रित करते हैं इन खेलों में भाग लेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी है 51st SSBMT लोगो का अनावरण। इस लोगो की संकल्पना हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल मौर्या द्वारा दी गई है। इसी संदर्भ में सादर आग्रह है मंच पर आसीन विशिष्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर रविकांत शुक्ला
निदेशक महोदय, मिस्टर निदेशक महोदय, डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर नरेश कुमार, डॉक्टर अनिल मौर्य, कृपया आकर 51st SSBMT लोगो का अनावरण करें। हम आग्रह करते हैं मंच पर आसीन सभी गणमान्य जनों से कि वह टूर्नामेंट ओपन करने की घोषणा करें। टूर्नामेंट इज ओपन। हम अनुरोध करते हैं अपने निदेशक महोदय से कि वह शॉल, स्मृति चिन्ह, सी मैप प्रोडक्ट किट देकर आज के मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। आज का यह कार्यक्रम समापन की ओर प्रस्थान कर रहा है। इसी क्रम में हम डॉक्टर पूजा खरे को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं। थैंक यू नीरजा। अवर चीफ गेस्ट मिस्टर रविकांत शुक्ला जी, रेस्पेक्टेड मिस्टर रविकांत शुक्ला जी, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी, एओ सर डॉक्टर अनिल मौर्य एंड अवर गेस्ट एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ माय प्रिविलेज टू एक्सटेंड वोट ऑफ थैंक्स ऑन दिस ओकेजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ 4 जोनल 51 SSBMT एंड CSIR SAMIP। आई एक्सटेंड माय सिंसियर थैंक टू अवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर रविकांत शुक्ला जी for taking out his valuable time and gracing this event with his presence. Thank you, sir, for sharing with us your valuable thought and motivational speech. And I also agree with your 3D theory. We also thankful to our Sport Promotion Board of CSIR for giving us an opportunity to organize this 4th journal at CSIR CMAP. In this connection, I express my heartfelt thanks to our director for his constant support and motivation for organizing this event. My sincere thanks to also our sister CSIR Laboratory. Without their support, and this event would not have been proceed successfully. I also thank to advisor of organizing committee, Dr. Sumit Bagsa from NBRI and Dr. Arnab Das Gupta from CDRI. I would also like to thank our sponsor for their kind support and print and media for wide coverage of the tournament. I extend my thank to all the participants for being a part of this 4th journal outdoor meet. And also I am thankful these small kids who are present here and standing here with a smile. Last but not least, I thank all the members of the organizing committee, volunteers and my colleagues who work hard for organizing this event.
My special thanks to the administration, CMAP Farm, our electrical and horticulture and ICT department and all other committees or departments who contributed to organizing this sport meet. I once again thank everyone for making this program successful. Again, khelenge hum jeetega CSR. Thank you. सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मंच पर आसीन सभी गणमान्य जनों से निवेदन करते हैं कि कृपया हाई टी के लिए प्रस्थान करें। प्रांगण में विभिन्न CSIR इंस्टीट्यूट से आई हुई टीम्स सारी टीम्स कृपया हाई टी के लिए प्रस्थान करें। प्रांगण में मौजूद सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि कृपया हाईटी के लिए प्रस्थान करें। सभी कृपया हाईटी के लिए प्रस्थान करें। जो भी टीम्स हमारे जो आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं उनके साथ में अगर ग्रुप फोटोग्राफ चाहते हैं वन बाय वन वो कर सकते हैं। हमने सर से रिक्वेस्ट कर ली है तो आप अपनी टीम के साथ में उनके साथ ग्रुप फोटो कर सकते हैं। टीम वाइज एक एक टीम करके आप ऊपर आ जाएं और सर के साथ में आप पिक्चर्स ले लें तो शायद एक अच्छी मेमोरी आपके साथ जाएगी। संजय सिंह जी सिमोल सर भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आदरणीय निदेशक महोदय, हम आप सभी से चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट करके मुख्य अतिथि के साथ, सभी लोग चाहते होंगे फोटोग्राफ्स लेना। देश के लिए सौभाग्य की बात होती है खेलना, अंडर 19 का कप्तान होना बहुत बड़ी बात है, तो हम चाहेंगे जो भी प्लेयर्स हैं वो एक एक करके टीम के साथ में फोटोग्राफ। और ये पहली टीम है सीकरी, CSIR कराईकुड़ी। दूसरी हमारी टीम को हम बुलाना चाहेंगे CLRI। तमिलनाडु चेन्नई से आए हमारे CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु के सभी खिलाड़ी आदर निदेशक महोदय तथा हमारे मुख्य अतिथि श्री रविकांत शुक्ला जी के साथ में
एक यादगार पल को कैमरे में कैद करेंगे। अब इसके बाद में सीसीएमबी हैदराबाद तेलंगाना के हमारे जो खिलाड़ी है उनको विनती है कि आप भी आ जाइए और इस लम्हों को, इस पलों को आप कैमरे में कैद कर कर श्री रविकांत शुक्ला जी जिन्होंने हमारे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत की पूरा भारत की कमान संभाली थी। अब आईएचबीटी पालमपुर हिमाचल प्रदेश के हमारे जो खिलाड़ी हैं सभी 22 खिलाड़ी अपने टीम को साथ में लेके आईएचबीटी आप सभी टीम के मैनेजर तथा प्लेयर से ये गुजारिश है कृपया सहयोग दें आईएचबीटी पालमपुर। आईएचबीटी पालमपुर और जो हमारे छोटे बच्चे थे जो फ्लैग मार्च प्लास में जिन्होंने सहयोग दिया था वो भी आ जाए। अब सीबीआरआई रुड़की उत्तराखंड के सभी हमारे 22 खिलाड़ी अपने टीम मैनेजर के साथ में वॉलीबॉल के कप्तान तथा क्रिकेट के कप्तान के साथ श्री रविकांत शुक्ला जी जो जाने माने बाएं हाथ के बल्लेबाज एक स्टाइलिश बल्लेबाज जिन्होंने उत्तर प्रदेश को कई बार विजय की पताका दी है लहराई है। अब मैं विनती करूंगा एनजीआरआई हैदराबाद तेलंगाना के हमारे खिलाड़ियों को कि आप भी आकर इस यादगार लम्हों में शामिल हो जाए एनजीआरआई हैदराबाद तेलंगाना के आप सभी 22 प्लेयर जो छोटे बच्चे थे वो भी इसके बाद में फोटो सेशन के लिए आएंगे। आरोही अनंत भव्या सिद्धार्थ ईशानवी चैरस्य अविरल और अनिका वो बाद में आएंगे सभी प्लेयर होने के बाद में वो भी इस पल में इस यादगार पल में शामिल होंगे। इसके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नीस्ट जी हाँ नीस्ट जोरत जोहरक के सभी 22 खिलाड़ी अपने टीम मैनेजर कप्तान नीस जोहरक अब मैं इसके बाद में आमंत्रित करना चाहूंगा ट्रिपल आयाम जम्मू के जो खिलाड़ी है ट्रिपल आई एम जम्मू जी हाँ ओके बच्चे जो छोटे बच्चे थे जिन्होंने मार्च पास में काफी अच्छी शोभा बढ़ाई थी उनके नन्हे कदम छोटे कदम हाथ में ध्वज लेके सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने इस मार्च पास में लेके आए थे उन छोटे बच्चे आरोही अनंत भव्या सिद्धार्थ ईशानवी चैरस्य अविरल अनिका आप भी इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद करें। इसके बाद में जो हमारे स्टाफ क्लब के जो सभी पदाधिकारी है स्टाफ क्लब के पदाधिकारी वो भी आ जाइए क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने हमारे भारत देश की पताका कई मैचों में लहराई है स्टाफ क्लब के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी पदाधिकारीगण वो भी आ जाइए कृपया सहयोग करें स्टाफ क्लब तथा हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो हमारे सदस्यगण हैं आप भी आ जाइए प्लीज। अब मैं विनती करूंगा हमारे स्टाफ क्लब के सभी मेंबर तथा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पदाधिकारीगण वो भी आ जाइए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टाफ क्लब के पदाधिकारी तथा हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यगणों को
धन्यवाद सर। और भी हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं उनसे वो भी एक इच्छा दर्शा रहे, चाह दर्शा रहे, जी क्यों ना हो। अगर इतना बड़ा प्लेयर अगर हमें मिल जाए और जिन्होंने अपने बल्ले से चौकों और छक्कों की बरसात करके ऊंचाइयां हासिल की है, उनके साथ में एक यादगार पल ये अपने कैमरे में कैद करते हुए, रविकांत शुक्ला जी धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अब हाई टी के लिए आमंत्रित है। अभी आप सभी लोग, सभी हमारे जो खिलाड़ी हैं आठ प्रयोगशाला से आए, आप सभी हाई टी के लिए आमंत्रित हैं तथा जो मार्गदर्शक हैं आप सभी से विनती है कि आप भी, सुमित बाग जी तथा अरुणाकाश जी गुप्ता, आप सभी से विनती है कि हाई टी के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अब हाई टी के बाद में अगर आप लोगों को फोटोग्राफ्स लेना है तो अभी सर का थोड़ा सा सर को चाय पिला देते हैं, उसके बाद फिर लेके आता हूँ मैं रविकांत सर को। सर बहुत से लोग फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जब नाम इतना बड़ा हो तो फोटोग्राफ तो लेना ही चाहेंगे, वो भी अंडर 19 के कैप्टन इंडिया को रिप्रेजेंट करना अपने आप को बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को अभी हम थोड़े टाइम के बाद सर को फिर से लेके आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अगर सर आते हैं तो जरूर आप लोग फोटोग्राफ लीजिएगा। धन्यवाद।